आज की इस नए वीडियो में मैं अक्षयाचार्य जी आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे भिन्न संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना वीडियो को। देखो भिन्न संख्याओं का गुणा, अब यहां पर देखना, जैसे कि ये यहां पर देखना, जैसे मान लो लिखा है 3/4 गुणा लिखा है, अब यहां पर लिखा है 2/3। अरे सिंपल तरीका समझते हैं, ध्यान देखना, बहुत सारे परेशानी होता है। देखो बीच में गुणा का निशान है, याद रखना गुणा का निशान है तो हमेशा ऊपर ऊपर का गुणा होता है और नीचे नीचे गुणा होता है। ध्यान देखना, अगर बीच में गुणा का निशान है, ध्यान देना ये किसका निशान है, गुणा का निशान है। तो देखो अगर गुणा का निशान रहेगा तो कैसे करना है, ऊपर ऊपर का गुणा होगा और नीचे नीचे का गुणा होगा। देखना तो कैसे हो जाएगा, 3 × 6 और 4 × 12। ध्यान देखना, अगर बीच में गुणा का निशान है तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा और नीचे नीचे का गुणा होगा। तो 3 × 6 और 4 × 12, अब यहां पर कटेगा तो इसको कटा देना, ये कट जाएगा, 6 × 6 और 6 × 12, ये दोनों कट जाएगा, 6 × 6 6 × 12, ऐसे 1/2 इसका उत्तर। अब देखो इसे इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं, या यहां पर लिख देना 3/4 × 2/3, उसी को लिखा हो। देखो याद रखना, अगर बीच में गुणा है तो ऊपर नीचे कट जाता है, ऊपर नीचे अगर एक जैसे है तो वो कट जाएगा। देखो जैसे कि ये 3 3 कट गया, 3 × 3 3 × 3 कट गया। यहां पर देखना 2 × 2 और 2 × 2 = 4, तो ध्यान देखो ऊपर में क्या बचा, 1 और नीचे में क्या बचा, 2, ये क्या हो गया इसका उत्तर हो गया। और देखो बना सकते हो, और जैसे कि मान लो लिखा है, और जैसे समझते ये लिखा मान लो 5/, यहां पर लिख दिए 7 गुणा, यहां पर लिखा है 2/, यहां पर लिखा है 2/3 गुणा, यहां पर है 14/, यहां लिखा गया मान लो 10। ध्यान देखना, याद रखना अगर बीच में गुणा 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 है तो ऊपर नीचे को कटा सकते हो, ठीक है। यहां पर अगर बीच में गुणा है, यहां भी गुणा का निशान है तो ऊपर नीचे को कटा सकते हो, या फिर गुणा ही करना है तो इनको ऐसे ही बना सकते हो, इन तीनों का आपस में गुणा कर सकते हो जैसे इसको बताया, और इन तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हो। यहां पर देखो अगर गुणा करके बनाते हो कितना हो जाएगा, ये देखना कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, और 10 का गुणा किसमें करना है, 14 में, ऐसे हो जाएगा। अगर बनाओगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये 5 × 2 = 10 और 10 × 14, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 140, ये हो जाएगा 7 × 21 और 21 × 2 कितना हो जाएगा, 210। इस प्रकार ऊपर का गुणा करके ही बना सकते हो। देखो यहां से क्या हो जाएगा, 0 और 0 कट गया, तब कितना बचा इसमें, 14/21, इतना बचा 14/21, ये कट जाएगा, किसे कटेगा, 21, हाँ ये नहीं कटेगा, इसलिए उतना ही उत्तर, इसका उत्तर देखना ध्यान से इसको, ये 0 0 कट गया और 14/21 हो गया, कितना हो जाएगा, 7 × 14 हो जाएगा और 7 × 21 मतलब कितना है इसका, 2/3। ऐसे गुणा है तब ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा। अब दूसरे तरीके से इसी बनाते हैं, ध्यान देखना 5/7 × 2/3 × 14/ कितना हो गया, 10। अब देखो कैसे कटेगा, देखो यहाँ ये 7 है, 7 से कट जाएगा, देखो 7 × 7 7 × 14, यहां पर देखो ध्यान से 5 × 5 5 × 10, अब देखो क्या क्या बचा ऊपर में, ऊपर में बचा देखो 1 बचा है, यहां पर क्या बचा, 2, यहां पर क्या बचा, 2, नीचे में 1, यहां पर क्या बचा है, 3, और यहां पर क्या बचा है, 2। फिर से ऊपर नीचे कट जाएगा, देखो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया, अब कोई नहीं कटेगा, 1 और 1 को नहीं कटा, तो 2 × 2 और 3 × 3, देखो इसमें भी 2/3 आया और इसमें भी 2/3 आया, ठीक है। तो जैसा भी कटाओ ये क्या है, बन जाएगा, दोनों ही विधि से बन जाएगा। अब और आप ध्यान रखना, जैसे कि देखो मान लो लिखा है, इसमें ध्यान देना अच्छे से, जैसे ऐसे लिखा है, जब मान लो 2+, यहां पर लिखा है 2+4 और यहां 2+4 लिखा है और 2 लिखा है, ध्यान से देखना। अब लिखा है एक साइड और लिखा है मान लो इधर, या लिखा है यहां पर देखना 2 × 4/2, तो ध्यान देना इसमें 2 और 2 को नहीं कटा सकते, ध्यान देना यहां पर 2 और 2 को यहां पर कटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना बीच में अगर गुणा का निशान है तब क्या होगा, ऊपर नीचे कटेगा, तो यहां पर इस कंडीशन में ये कट सकता है, ये 2 और ये 2 इस कंडीशन में कटेगा, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 4।
लेकिन इस कंडीशन में ऐसा करोगे दो और दो कटाओगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको ऐसे बना सकते हो, दो प्लस चार बटे दो है, इसको पहले जोड़ना पड़ेगा, चार और दो कितना हो जाएगा छह, छह बटे दो तभी कितना हो जाएगा दो दिया छह। ध्यान देना इन दोनों में क्या है, अंतर है इसमें और इसमें, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान देना। एक और देख लेना, मान लो ये चौथा, अगर ऐसे लिखा है, मान लो ये पांच गुणा यहां पर लिखा है, मान लो पांच माइनस दो, ऐसे लिखा है पांच माइनस दो प्लस लिखा है तीन बटे लिखा है यहां पर तीन लिखा है, एक साइड यहां लिख देते हैं, मान लो पांच गुणा दो गुणा तीन बटा तीन। ध्यान से देखना इसमें, देखो यहां पर माइनस और यहां प्लस है, अगर यहां पर तीन और तीन को कटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन याद रखना अगर गुणा 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 है और ऐसे पूरे का बटा करके है तो यहां इस कंडीशन में तीन और तीन को कटा सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कटा सकते। यहां पर पूरा गुणा है तब तो कटेगा, तो कितना बचा पांच गुणा दो, पांच दूनी कितना आ गया दस, लेकिन यहां पर ऐसे नहीं कर सकते। इसको कैसे हल कर सकते हो, पांच माइनस दो प्लस तीन बटे तीन, तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा देखो, पांच पांच में दो घटाओ कितना बचेगा तीन, और यहां पर कितना है तीन बटे तीन, तो तीन और तीन कितना हो जाएगा छह बटे तीन। देखो अभी भी नहीं कटेगा, हाँ जब तक याद रखना अगर बीच में माइनस या प्लस है तो वो नहीं कटेगा, बीच में अगर गुणा है पूरा गुणा तब कटेगा। यहां से अब कट जाएगा तीन दूनी छह, इसका दो आया और उसका क्या आया दस आया। तो ध्यान रखो, देखो बहुत सारे बच्चों क्या है कटाने में बहुत सारा समस्या होता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से कटाना सीखना है। धन्यवाद।